हेलो माँ, कहाँ हैं आप? कब से परेशान हूँ मैं, कब से आपको कॉल्स कर रही हूँ लेकिन आप पिक ही नहीं कर रहे। क्या हुआ, आपने कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ बेटा, काफी परेशानी है। वो फरिया तो ठीक है लेकिन उसका बच्चा क्या? फरिया आप ही का बेटा हुआ है? अल्लाह ने ये खुशी हमें दी और फिर वापस भी ले ली। फरिया का बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। क्या? चलो मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ। फरिया आप ही का बेटा? ने तो हद ही कर दी है तल्ख जुबानी की। ऐसी ऐसी जली कुटी बातें करती है कि दिल कट कर रह जाता है। शायद सदमात ने उनकी जहनी हालत को मुतासर किया है। अपने हवास में नहीं होती। हवास में नहीं? अरे वो तो ऐसी ऐसी बातें कह जाती हैं कि दूसरे के हवास उड़ जाएं। आपको पता भी है वो रिदा को मनहूस कहती कि उसकी नफुसत ने साइम को और परिया के बच्चे को निगल लिया। यहां तक कि कुछ जगह जगह जाके बातें करती कि रिदा मनहूस है और बुस कर रहा, और मैं जादू करनी हूं जो पढ़ पढ़ के गम को काबू में रखो। देखो आज फरिया अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आएगी। तुम अपना दिल साफ करके जाना और उसे दिलासा देना। देखो आज उन्हें हमारी सख्त जरूरत है। हम ये छोटी छोटी बातों को इश्यू बनाकर नाराज होकर नहीं बैठ सकते। तुम समझती क्यों नहीं हो? ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं कर लूंगी। देखो सायम भी हमारा ही बेटा था, हमारी बेटी है उनके घर। बहुत सब बात में है वो लोग। प्लीज तुम अपने गुस्से को काबू करो। भाई फरिया को और नसीमा को ले आए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बेटा, बिस्मिल्लाह करके कदम अपना अंदर रखो। आओ। बेटा मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें औलाद की नेमत से फिर नवाजे और तुम खुशियों से अपने घर जाओ। जब तक आपकी बेटी है ना चचेरी घर में, यहाँ कभी खुशियाँ नहीं आ सकती। सॉरी भाभी, बुरा मत मनाइएगा। प्रिया बहुत परेशान और डिस्टर्ब है, इसलिए आप लोग। भाभी आप क्या कहना चाह रही हैं कि हम नीचे ना आया करें? आप खुद समझदार हैं, अब मैं क्या कहूँ। भाईजान मैं भी ना आया करूं। देखो जावेद, मेरे पास अब फरिया के सिवा कुछ भी नहीं बचा और
मुझे उसकी खुशी और सुकून सबसे ज्यादा अजीज है। क्या हमारे बच्चों की वजह से हमारे दिलों में दरारें आ रही हैं? दरारें तो कब की आ चुकी हैं जावेद भाई, बस घरों का अलग होना बाकी है। चलो बेटा। जावेद आप ठीक तो हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा जो अभी अभी भाभी और भाई के मुंह से सुनकर आ रहा हूं, वो हकीकत भी हो सकता है। ज़ैनब, वो हमारी रीता से बहुत मोहब्बत करते हैं। भाई ने कभी फरिया और रिदा के दरमियान फर्क नहीं महसूस होने दिया। हाँ, बल्कि सईद भाई तो बहुत से मामलात में रिदा को ज्यादा अहमियत देते थे फरिया से। और अभी अभी जो भाई ने कहा उसका मतलब? उसका मतलब वही है जो उन्होंने कहा और हमने सुना। इसका मतलब भाई साहब का दिल वाकई हमसे दूर हो गया है। उनका दिल तो हमसे बहुत पहले का दूर हो चुका है, अब तो वो घर जुदा करने की बात कर रहे हैं। नहीं ज़ैनब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ये घर कैसे छोड़कर जा सकता हूं? मैं आज भी अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता हूं, तुम जानती हो। नहीं समझ में आ रहा ये सब कैसे ठीक होगा। बताओ माल्टे खाओगी या सेब काट कर दूं? कुछ नहीं खाना मुझे। क्यों मेरी जान, रो रो के क्या हाल कर लिया तुमने अपना? ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरेगी। अम्मा देखिए मेरा खाली और बेरान पहलू, ये उसकी जगह थी ना, अब यहां कौन लेटेगा? मैं किसकी आवाज सुन के मुस्कुराऊंगी? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते मेरा बच्चा। अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे सारे जख्म भर देगा और फिर से अपनी रहमत से तुम्हें नवाजेगा। मेरे जख्म इतनी जल्दी भरने वाले नहीं, और वैसे भी जो इस दुनिया से ही चला गया पलट कर तो नहीं आएगा ना। फरीहा मेरी बच्ची, तुम्हारे बच्चे ने तो अभी इस दुनिया में आंख भी नहीं खोली थी, तुम उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। मेरी तरफ देखो, साहिब को पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया और अपने हाथों से उसे रुखसत कर दिया। मैं भी तो जिंदा हूं ना, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। मुझ में आप जितना हौसला नहीं है मामा, नहीं हूं मैं आपके जैसी।
फासला करना पड़ता है बेटा। मरने वालों के साथ मर नहीं सकते, इसी का नाम जिंदगी। मरकर भी गमों से जान नहीं छूटती। मैं जानती हूं आपका और मेरा दुख एक सा। आपका दिल अपने बेटे और नवासे की जुदाई में तड़प रहा है और मैं अपने भाई और बेटे के गम को सह नहीं सकती। कि हमारे साथ ही क्यों हुआ? बस बेटा, ऊपर वाले की मर्जी। किसी की नहुसत को अल्लाह की मर्जी का नाम मत दे मामा। ये सब रिदा की वजह से हुआ। उसका साया ही काला था। खा गई मेरे भाई और बेटे को। मैंने आपसे कहा था मत बनाए उसे अपनी बहू। मुझे तो पहले इससे खून की बू आती थी। मैंने भी तुम्हारे पापा को इस रिश्ते से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं क्या करती? अब बस जितना जल्दी हो सकता ना आप लोग यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाएं, या उनसे कहें कि घर छोड़कर चले जाएंगे। तो फिक्र मत करो मेरी जान, तुम्हारे पापा ने उनसे कह दिया है कि वो घर छोड़ दें। बहुत जल्द वो यहाँ से चले जाएंगे। कैसे फिक्र नहीं करूं? मेरा बच्चा चला गया इस दुनिया से, मैं कैसे जीऊंगी? मैं क्या करूंगी मामा? मामा चुप, सब ठीक हो जाएगा, सबर। कैसे रहूंगी मैं उसके बिना? यार मैं वहां सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, परमानेंटली सेटल होने नहीं जा रहा। तुम सब तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे मैं वापस कभी लौट के ही नहीं आऊंगा। अल्लाह करे ये वक्त जल्दी से गुजर जाए और तुम खैरियत से वापस आ जाओ। और हम हॉस्टल की प्लानिंग करनी है ना हमें, बल्कि सिकंदर भी तो आ रहा है ना वापस, एटलीस्ट उसके साथ बैठ के आर्किटेक्चर प्लान वर्कआउट कर लेना, सब चीज़ें डिटेल सारी, कितने रूम्स होने चाहिए, क्या कुछ। दानियाल, मैं हॉस्पिटल की प्लानिंग नहीं, मैं हमारे घर की प्लानिंग की बात कर रही हूँ। मेरा और तुम्हारा घर, क्या तुम नहीं चाहते ये वो? ऑफ कोर्स चाहता हूँ मैं, लेकिन देखो भाई साहब, अगर मगर कुछ नहीं, बस तुम वापस आ जाओ और फिर हम अपने घर की प्लानिंग करेंगे। अरे वाह, ये क्या है? फरिया हाबी के लिए सूप। फरिया के लिए सूप? चल लाओ, मैं दे आती हूँ। नहीं माँ, क्या जरूरत है, मैं खुद ले जाऊंगी। कितना वक्त हो गया फरिया आप इसे मिली भी नहीं, बात भी नहीं की, तनी क्या सोचती होंगी। और फिर ताई अम्मी, वो भी तो दुखी है ना, उन्हें भी मेरी ज़रूरत होगी। दीदा रुको, उन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं। जब तक साइम जिंदा था तो तुम्हारी इस घर में इज्जत थी, अब यहाँ किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। माँ, साहिम के चले जाने से उसका और मेरा रिश्ता तो नहीं टूट जाता ना? उसके साथ और बहुत सी मोहब्बतें जुड़ी हैं जो अब मेरी जिम्मेदारी है। उनको मुझसे लगाओ नहीं तो क्या हुआ? मुझे तो वो साइम के हवाले से प्यारे हैं ना। ठीक है जाओ, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए दिल बड़ा रखना, इसके लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत है। मैं आपकी बेटी हूँ, लोगों के सख्त रवैये मेरा हौसला नहीं पस्त कर सकते। आप फिक्र ना करें,
अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। वॉशरूम जाने मुझे। हाँ हाँ आ जाओ, शाबाश। शाबाश, बस बस जरा सी हिम्मत और करो फ्रिया, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारिया, आप ही के लिए मैंने सूप बनाया था। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ये सूप वहां रख दूं? हाँ प्लीज, बहुत अच्छा किया तुमने इसको। बैठो ना। नहीं, वो मैं ताई जान को देख लूं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, जब तक फरिया आप ही भी आ जाएंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो फरिया आप ही की तबीयत खराब है, तो मैं उनके लिए सूप बना कर लेकर आई थी। किसने कहा था सूप बनाने का तुम्हें? आंटी क्या हो गया, आप उसको डांट क्यों रही हैं? उसने तो अच्छा काम ही किया ना, और सूप फरिया के लिए अच्छा भी है। बस बेटा, किसी ने कहा नहीं इसलिए कह रही हूँ। फरिया आप ही, कैसी तबीयत है बाप की? तुम्हारे आने से पहले तक तो ठीक थी। आप तुम बैठो और ये गर्मा गर्म सूप पियो। हाँ फरिया, पी लो। शाबाश शाबाश, कोई बात। मामा क्या हुआ फरिया? फरिया क्या हुआ? रिधा, ये कैसे सूप बना कर लाई हो, क्या डाला है इसमें? मेरी बच्ची को। ताईजान, मैंने तो सादा सा सूप बनाया था। इतनी मिर्ची मेरे गले में लग गई। सूप में इतनी मिर्ची कौन डालता, पागल तो नहीं हो तुम? मैंने मिर्ची नहीं डाली। मामा मेरे गले में। जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। तुम भी प्लीज बेटा और मत पिलाना इसे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मीठा लेकर आती। आप पिला ले मुझे सूप। डोंट वरी, तुम्हारे हाथ नहीं ठंडे हो रहे क्या? डोंट वरी। बस बस, वो गई हैं मीठा लेने, गई हैं, अभी आ रही हैं। प्रिया रिलैक्स। आखिर तुम चाहते क्या हो? जी तुम हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? ताईजान, मैं तो बस आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, साहिम की तरह आप लोगों का ख्याल रखना चाहती हूँ। हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, और हमारा ख्याल रखने के लिए नौकर चाकर है ना। वो तो नौकर चाकर है ना, मैं तो बेटी हूँ आपकी। मेरी बेटी सिर्फ फरीका है। तुम मेरी बहू थी, और वो भी नापसंदीदा बहू, सिर्फ साहिम की जिद। और मेरा साहिम अपनी जिद पूरी करके इस दुनिया से चला गया है। अब मेरा तुमसे किसी किस्म का कोई रिश्ता या नाता नहीं है। ताई अम्मी, रिश्ते नाते यूं छोटी छोटी बातों पर नहीं खत्म किए जाते। मैं जानती हूँ साहिम का दुख है आपको, उसकी जुदाई का सदमा है, पर हाँ, मेरे साहिम के जाने के दुख ने मेरे दिल दिमाग से तुम्हारा साया तक। तुम बार बार मेरे सामने आके मेरे जख्म क्यों ताजा करती हो, पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मेरी सांस चलने दो, मुझे जीने दो। दफा जाओ यहां से, आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ताईजान, मैं यहां से कैसे जा सकती? यहां साहिम की यादें हैं, दरो दीवार में उसकी खुशबू बसी हुई है,
ये सब छोड़ के कैसे जा सकती हूँ ताईजान? थैंक यू खुशबू और शादों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। खबरदार आइंदा मेरे बेटे का नाम भी लिया तो दफा हो जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। आइंदा यहाँ कदम मत रखना। ताई प्लीज ऐसा मत करें, मुझे इस घर से दूर मत करें। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम यहाँ पर क्यों आती हो। तुम्हारी नजर मेरे दामाद फराज पर है ना? मेरी बेटी का घर उजाड़ना चाहती हो ना? क्या कह रही है ताईजाना? मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ, अपनी आंखों से देखा है मैंने आज। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। दोबारा यहाँ कदम मत रखना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अभी तक नहीं आई और पता नहीं नसीमा भाभी का मूड कैसा है। मूड ठीक ही होगा नसीमा भाभी का, तभी तो रिदा को इतनी देर लग गई है। अल्लाह करे कि सब बेहतर हो जाए। भाई आखिर को रिदा का उनसे गहरा रिश्ता है और ऐसे रिश्ते इतनी आसानी से थोड़ी खत्म होते हैं। बस वो लोग आजकल एक सदमे की कैफियत से गुजर रहे हैं, बहुत टेंशन में है। वरना रिदा तो सबको प्यारी है। रिदा क्या बात हुई बेटा? रिदा रिदा बेटा दरवाजा खोलो। रिदा दरवाजा खोलो बेटे। रिदा बेटे दरवाजा खोले प्लीज। रिदा मेरे बच्चे दरवाजा खोलो, हमें बताओ क्या हुआ। रिदा जरूर भाभी ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया होगा। मैं बात करती हूँ इसलिए। ठाकुर उसका क्या? रिदा बेटा बेटा दरवाजा खोलो ना, बताओ क्या हुआ है। मैं हूं ना। माँ आपने ठीक कहा था, साइम के साथ साथ मेरी जिंदगी से सारी मोहब्बतें भी चली गई। आपने रात का खाना भी नहीं खाया, ये लीजिए, ये पी लीजिए और मेडिसिन खा लीजिए अपनी। मुझे भूख नहीं है नसीमा, मेरा दिल किसी भी चीज को नहीं चाह रहा, सर में शदीद दर्द। भूख तो मुझे भी नहीं थी, सर में मेरे भी दर्द था, लेकिन फिर भी मैंने खाना खाया इसलिए कि अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो फरिया भी कुछ नहीं खाएगी। हमें फरिया के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। मेरे बच्चों को तो न जाने किसकी नजर लग गई, दोनों को ही खुशियां रास नहीं आई। जिन लोगों की मेरे बच्चों को नजर लगी मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। अल्लाह की मर्जी में भला किसका दखल है।
सही साहब, अब मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पर, दम घुटता है मेरा। हालत तो मेरी भी ऐसी है, मगर हम कर ही क्या सकते हैं? हम ऐसा करते हैं, यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे हम? फरीहा की हालत भी मुझसे देखी नहीं जाती। फरीहा की वजह से फराज भी बहुत परेशान है। वो तो कह रहा था कि मैं फरीहा को लेकर अमेरिका चला जाऊंगा। फरीहा के सिवा हमारा यहाँ है ही कौन? मैं तो कहती हूँ हमें भी फरीहा के साथ वहां चले जाना चाहिए। अमेरिका? हाँ, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। ये घर साइम के बगैर मुझे काट खाने को दौड़ता है। धागे वास्ते सही साहब, मैं यहाँ रहूंगी तो घुट घुट के मर जाऊंगी। मुझे हर तरफ मेरा साइम नजर आता है, उसकी आवाज़ें सुनाई देती है। नहीं नसीमा, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मेरा भी तुम्हारे और फरिया के अलावा है ही कौन? मैं फराज बेटे से बात करूंगा, वो अपने साथ साथ हमारे भी अमेरिका शिफ्ट होने का बंदोबस्त करे। और ये घर? इसको हम रेंट आउट कर देंगे। रेंट आउट क्यों? हम सेल क्यों नहीं करके जाते? हमने कौन सा दोबारा यहां आकर रहना है? और फिर इस घर की देखभाल कौन करेगा? अगर हम रेंट पर भी देंगे तो कल को किराएदार मालिक मकान बन बैठे तो हम क्या कर लेंगे? अच्छा, मैं किसी स्टेट एजेंट से बात करता हूं। चलिए। बस नफीसा बहन, अपने दिल पे पत्थर रख के दानियाल को मैंने बाहर तो भेज दिया है, लेकिन मैं नहीं जानती कि उसके बगैर मेरा क्या हाल होगा। क्या करें शहनाज, हम माओं को औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये जुदाइयां सहनी ही पड़ती हैं। अब मैंने भी तो इतना अरसा अपने बेटे सिकंदर के बगैर गुजारा ही है ना। अब तो खैर से वो वापस आने वाला है। हाँ, खैर से आने वाला है, बस आ जाए तो मैं इसकी शादी कर दूंगी। अब वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है शहनाज, दानियाल छुट्टी पर आए तो हम भी कोई रस्म कर लें? रस्म? दानियाल और आयजा की मंगनी कर देते हैं, अब कब तक यूं ही दोस्ती दोस्ती करते रहेंगे? दोनों को किसी महफूज रिश्ते में बांध देते हैं। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये बच्चे भी ना, बस माँ बाप की यही तो ख्वाहिश रहती है। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम यहाँ पर क्यों आती हो। तुम्हारी नजर मेरे दामाद फराज पर है ना? मेरी बेटी का घर उजाड़ना चाहती हो ना? अपनी आंखों से देखा है मैंने आज। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, दोबारा यहाँ कदम मत रखना। बेटा, फिदा, बेटा कब तक इस तरह अपने कमरे में बैठी रहोगी अपने आप को बंद करके? और क्या करूं माँ? देखो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। जाओ, जाके उनके पास बैठो।
अब भी नहीं। तुम इसलिए बाबा के सामने नहीं जाना चाहती ना कि तुम्हारा उदास चेहरा देख के वो परेशान हो जाएंगे। दुख से भरी तुम्हारी ये आंखें देखकर उन्हें मजीद दुख होगा। कभी औलाद का दुख माँ बाप से छुप सकता है? एक वही तो होते हैं जो औलाद का दुख देखकर तड़प उठते हैं। अपने दुख माँ बाप के साथ बांटने से कम होते हैं। जानती हूँ, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वहां नहीं जाना। अब वहां तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। मैं क्या करूं? दिल मानने को तैयार नहीं होता कि वो घर अब मेरा नहीं रहा। ताया अबू, ताई जान, सब गैर समझते हैं मुझे। यही हकीकत है मेरी जान। बस बस चुप हो जाओ बेटा, सब्र से काम लो। देखो, तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम करना है। अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी आजमाइश में डाला है और इस आजमाइश से सुरखरू होकर निकलना है। मैं जानती हूँ माँ, जानती। बेटा जानती हो तो फिर उस पर भरोसा भी करो। जिसने तुमसे तुम्हारा सहारा छीना है ना, वो तुम्हें कभी भी किसी के सहारे पर नहीं छोड़ेगा, तुम्हें बेआसरा नहीं छोड़ेगा। बस बस ये आजमाइश के दिन नहीं है कि गुजर जाएंगे। बस मेरा बच्चा।